संपर्क खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विजय तिवारी। आइए रुख करते हैं मध्य प्रदेश की खास खबर का। लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार के विरोध में भाजपा उतर आई है। शुक्रवार को संदेश खाली घटना के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हुए। इसी कड़ी में शुक्रवार को मऊगंज में भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मऊगंज में जुलूस निकाला और कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया, जहां पर मऊगंज भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार के संरक्षण में करीब 50 से अधिक जनजाति महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ और हजारों जनजाति परिवारों पर अत्याचार, उनकी जमीन लूट ली जा रही है। ममता बनर्जी सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अराजकता व तुष्टिकरण का राजनीतिक आरोप लगाया। भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष संतोष सिंह सिसोदिया और कहा कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना ने देश को झकझोर दिया है। महिलाओं पर जुल्म जाति को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसी घटिया सरकार का सफाया होना चाहिए। नगर परिषद अध्यक्ष चंद्र प्रभा गुप्ता ने पश्चिम बंगाल की सरकार महिलाओं के ऊपर अत्याचार और तुष्टिकरण की राजनीति पर उसका संरक्षण देने का आरोप लगाया है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं को सम्मान देने